नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, पिछले कुछ वर्षों में दक्षता के कारण कर संग्रह प्रणाली में राजस्व की वृद्धि। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से ओडिशा की 3 दिन की यात्रा पर। मौसम विभाग ने शुक्रवार तक देश के विभिन्न भागों में व्यापक वर्षा की चेतावनी दी। भारत और मालदीव ने सीमा पार आतंकवाद सहित सभी तरह के आतंकवाद की कड़ी निंदा की। भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौता वार्ता का 11वां दौर संपन्न। और क्रिकेट में भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा टेस्ट ड्रॉ, भारत ने श्रृंखला 1-0 से जीते। समाचार प्रभात के साथ मैं विमलेंदु पांडे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में कर दरों में बढ़ोतरी के बिना भी कर राजस्व में बढ़ोतरी हुई है। कल शाम नई दिल्ली में आयकर दिवस समारोह में वित्त मंत्री ने कहा कि कर संग्रह प्रणाली में दक्षता ने ज्यादा कर एकत्र करने में मदद की। If revenue improves, services of the government improves, welfare schemes better get their due and the country flourishes better. In the last 3-4 years, to the credit of the CBDT, tax rates did not go up, but revenue is steadily going up. Evasion is being controlled. वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्पष्ट मानना है कि प्रौद्योगिकी का उपयोग अधिकांश समस्याओं का जवाब है और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी इस पर काम कर रहा है। सीबीडीटी की सराहना करते हुए श्रीमती निर्मला सीतारामन ने कहा कि इससे कर चोरी में कमी आई है। वित्त मंत्री ने करदाताओं को पारदर्शी, उद्देश्यपूर्ण और अनुकूल आयकर व्यवस्था का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि इस साल करदाताओं को जारी किए गए लगभग 1 लाख नोटिस का आकलन अगले साल मार्च तक पूरा कर लिया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि ऐसे नोटिस केवल उन्हीं को भेजे गए हैं जिनकी आय 50 लाख रुपए से अधिक है। इस अवसर पर वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा और सीबीडीटी के अध्यक्ष नितिन गुप्ता उपस्थित थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से ओडिशा के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। राष्ट्रपति इस दौरान अटूट बंधन परिवार द्वारा प्रायोजित मेडिकल छात्रों के समूह के साथ बातचीत करेंगे। वे भुवनेश्वर में ओडिशा के राजभवन के नए बिल्डिंग की आधारशिला रखेंगे। राष्ट्रपति बुधवार को कटक में ओडिशा उच्च न्यायालय के 75वें वर्ष के समापन समारोह में शामिल होंगे। बुधवार को ही राष्ट्रपति एससीबी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल तथा कटक के वार्षिक समारोह को संबोधित करेंगे और ओडिशा की नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगे। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बुधवार और बृहस्पतिवार को बहुत तेज वर्षा होने का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने कहा है कि हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में बुधवार को बहुत तेज वर्षा होने की आशंका है। दक्षिणी भारत में कर्नाटका के दक्षिणी, अंदरूनी और कर्नाटका के तटीय क्षेत्र, तेलंगाना तथा उड़ीसा, गोवा और महाराष्ट्र सहित मध्य भारत में भी बृहस्पतिवार तक ऑरेंज अलर्ट जारी रहेगा। उधर आंध्र प्रदेश, कोंकण और गोवा में अगले 3 से 4 दिन तक अत्यधिक वर्षा होने की चेतावनी जारी की गई है। अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में अगले 5 दिनों में तेज वर्षा होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में अधिक नमी और अधिक तापमान बने रहने की आशा है। दिल्ली में आज रात हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। केरल के उत्तरी और मध्य भागों में तेज वर्षा जारी है। मौसम विभाग ने राज्य में अगले 4 दिन वर्षा होने का अनुमान व्यक्त किया है। राज्य के कोझिकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड जिलों में ऑरेंज अलर्ट तथा तिरुवनंतपुरम और कोल्लम जिलों को छोड़कर अन्य सभी जिलों में येलो अलर्ट जारी है। मौसम विभाग आईएमडी ने महाराष्ट्र के मुंबई समेत कई जिलों में तेज से बहुत तेज बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।
मौसम विभाग ने मुंबई को सोमवार की संक्षिप्त राहत के बाद एक और दिन भारी बारिश होने के आसार को देखते हुए आज ऑरेंज अलर्ट दिया है। वहीं 27 जुलाई तक रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पुणे, कोल्हापुर और सतारा जिले के लिए भी भारी से बहुत भारी बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने कहा है कि इसके बाद बारिश की गतिविधि कम होने की उम्मीद है। निवेदिता, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। तेलंगाना में राज्य के विभिन्न भागों में तेज वर्षा जारी है। थोड़ी राहत के बाद बहुत तेज वर्षा से कई स्थानों पर सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ। निजामाबाद जिले के वैलपुर में 24 घंटे से कम समय में सबसे अधिक 461.5 मिलीमीटर वर्षा हुई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। भारत और मालदीव ने सीमा पार आतंक सहित सभी तरह के आतंकवाद की कड़ी निंदा की है। आतंक, हिंसक उग्रवाद और कट्टरता से निपटने के लिए दोनों देशों के संयुक्त कार्य समूह की दूसरी बैठक कल माले में हुई। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व विदेश मंत्रालय में पश्चिमी क्षेत्र के सचिव संजय वर्मा और मालदीव के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व विदेश सचिव अहमद लतीफ ने किया। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि बैठक सौहार्दपूर्ण और रचनात्मक माहौल में हुई, जो भारत और मालदीव के बीच अच्छे पड़ोसी संबंधों को दर्शाता है। भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौता वार्ता का 11वां दौर संपन्न हो गया है। पिछली बार की तरह ये वार्ता भी हाइब्रिड माध्यम से आयोजित की गई थी। कई भारतीय अधिकारियों ने बातचीत के लिए लंदन की यात्रा की और कुछ अन्य अधिकारियों ने वर्चुअल माध्यम से भाग लिया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने इस महीने ब्रिटेन का दौरा किया। उन्होंने इस दौरान ब्रिटेन के वाणिज्य और व्यापार मंत्री कैमी बेडेनॉक और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार राज्य मंत्री निगेल हडलस्टन से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 27 तारीख को राजकोट के पास हीरासर में गुजरात के पहले नए हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री राजकोट में एक रैली को भी संबोधित करेंगे। अपनी 2 दिवसीय गुजरात यात्रा के दौरान बृहस्पतिवार से प्रधानमंत्री राज्य में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि 1,405 करोड़ रुपए की लागत से 1,500 एकड़ क्षेत्र में बने इस हवाई अड्डे का नाम बदलकर राजकोट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किया गया है। हीरासर में बना ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा सौराष्ट्र क्षेत्र की वाणिज्यिक राजधानी राजकोट शहर से 30 किलोमीटर दूर है। हवाई अड्डे में 45 मीटर चौड़ा रनवे है, जो किसी भी समय पर 14 विमानों को पार्क कर सकता है। व्यस्त समय के दौरान हवाई अड्डे के यात्री टर्मिनल पर प्रति घंटे 1200 से अधिक यात्रियों का प्रबंधन किया जा सकता है। ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा सौर ऊर्जा प्रणाली, हरित पट्टी और जल संचय प्रणाली से सुसज्जित है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए हवाई कनेक्टिविटी मिलने से स्थानीय औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। विशेष रूप से मोरबी के सिरेमिक उद्योग को बड़ा लाभ होगा और इस क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2017 में राजकोट के पास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण की आधारशिला रखी थी। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। भाजपा ने राजस्थान में अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि अगर राजस्थान के पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक राजेंद्र गुढ़ा द्वारा उजागर की गई डायरी की बात सामने आई तो कई नेताओं का राजनीतिक अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। उन्होंने कहा कि राजस्थान में हर कोई लाल डायरी का रहस्य जानना चाहता है। मध्य प्रदेश के खजुराहो में आज 5वें हेलीकॉप्टर और लघु विमान शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय नागरिक उड्डयन और इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया करेंगे। एक रिपोर्ट। 5वें हेलीकॉप्टर और लघु विमान शिखर सम्मेलन का आयोजन केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय, मध्य प्रदेश सरकार, पवन हंस लिमिटेड और भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ फिक्की द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। इस सम्मेलन का विषय अंतिम मील तक पहुंचना, हेलीकॉप्टर और छोटे विमानों के माध्यम से क्षेत्रीय कनेक्टिविटी है।
शिखर सम्मेलन का उद्देश्य सुदूर और पहाड़ी क्षेत्रों में उड़ान योजना का विस्तार करना है। पांचवा हेलीकॉप्टर शिखर सम्मेलन उद्योग हितधारकों को नीति निर्माताओं के साथ जुड़ने और सहयोग करने के लिए एक साथ लाएगा, जिससे सक्षम और विवेकपूर्ण निर्णयों के जरिए भारत के नागरिक उड्डयन उद्योग को और अधिक विस्तार देने में मदद मिलेगी। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। पोर्ट ऑफ स्पेन में भारत और वेस्टइंडीज के बीच बारिश से प्रभावित दूसरा और अंतिम टेस्ट क्रिकेट मैच ड्रॉ हो गया है। इसके साथ ही भारत ने यह श्रृंखला 1-0 से जीत ली है। वेस्टइंडीज को अपनी दूसरी पारी में 2 विकेट पर 76 रन से आगे खेलना था, लेकिन बारिश के कारण खेल दोबारा शुरू नहीं हो सका। जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़ जिले में बहुप्रतीक्षित 43 दिवसीय वार्षिक माछिल माता यात्रा आज से शुरू हो रही है। ये 5 सितंबर को संपन्न होगी। ये यात्रा जम्मू संभाग में दूसरी सबसे प्रसिद्ध तीर्थ यात्रा है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं रवि कपूर। धन्यवाद विमलेंदु। संसद में मणिपुर मुद्दे को लेकर बने गतिरोध को अखबारों ने महत्व दिया है। जनसत्ता के शब्द हैं, संसद में नहीं बनी सहमति, हुआ हंगामा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार चर्चा के लिए तैयार। विपक्ष ने कहा, प्रधानमंत्री के बयान पर ही मानेंगे। पंजाब केसरी लिखता है, विपक्षी तेवर को देखते हुए सोमवार को सरकार ने शीर्ष स्तर पर कई बैठकें की। वाराणसी के ज्ञानवापी प्रकरण पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई की वैज्ञानिक जांच पर सुप्रीम कोर्ट की 26 जुलाई तक रोक, नवभारत टाइम्स के पहले पन्ने पर है। कोर्ट के स्टे से पहले एएसआई ने ज्ञानवापी परिसर का 5 घंटे सर्वे किया। ओपनहाइमर फिल्म की मंजूरी पर सूचना और प्रसारण मंत्री के बयान पर जनसत्ता लिखता है, ठाकुर ने सेंसर बोर्ड से मांगा जवाब। श्री ठाकुर ने विवादास्पद दृश्य के साथ फिल्म को मंजूरी देने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति की जवाबदेही तय करने का भी दिया निर्देश। राजस्थान पत्रिका ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के बयान को सुर्खी दी है, सीतारामन की दो टूक, लोन वसूली में बैंकों की ज्यादती बर्दाश्त नहीं, गरीब किसानों के साथ ऐसा कतई नहीं होना चाहिए। रिजर्व बैंक ने स्पष्ट किया, सार्वजनिक तौर पर किसी भी ग्राहक को लज्जित नहीं करें बैंक। अमर उजाला सहित कई अखबारों ने कर्मचारी भविष्य निधि योजना पर वर्ष 2022-23 के लिए 8.15% ब्याज दर को प्रमुखता दी है। ब्याज दर बढ़ने से ईपीएफओ के 6 करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों को होगा फायदा। दैनिक भास्कर ने भारतीय रिजर्व बैंक की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट के हवाले से लिखा है, 14 एस्टेट मैनेजमेंट कंपनियों के 24 म्यूचुअल फंड खतरे में। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, पिछले कुछ वर्षों में दक्षता के कारण कर संग्रह प्रणाली में राजस्व की वृद्धि। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से ओडिशा की 3 दिन की यात्रा पर। मौसम विभाग ने शुक्रवार तक देश के विभिन्न भागों में व्यापक वर्षा की चेतावनी दी। भारत और मालदीव ने सीमा पार आतंकवाद सहित सभी तरह के आतंकवाद की कड़ी निंदा की। भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौता वार्ता का 11वां दौर संपन्न। और क्रिकेट में भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा टेस्ट ड्रॉ, भारत ने श्रृंखला 1-0 से जीती। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।